आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए टोल प्लाजा पर इनकी ड्यूटी लगाकर नई पहल की शुरुआत की है। महिला दिवस के अवसर पर बाराबंकी में NH-28 अहमदपुर टोल प्लाजा पर टोल अधिकारियों ने दर्जनों महिलाओं को टोल की कमान दे दी और इन लोगों ने इसे बखूबी निभाया भी। इन महिलाओं का कहना है कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका है कि हम लोगों को भी रोजगार से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज अच्छा लग रहा है क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है किसी काम में, ताकि हम उसी साइड होंगे और भी इससे हमारे मन में उत्साह होगा और हम आगे इससे भी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ के किसी कदम को बढ़ाएंगे, ताकि हमें अच्छा लगता है। इसीलिए हमें लगता है कि सर को और मैम को, हमारे सर ने, हमारे सर ने बताया कि यहाँ आके हमें लेके आए वहाँ संस्था से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर्वे सर ने बुलाया, उन्होंने कल हमें पढ़ाया, ट्रेनिंग दी गई थी, 1.5 घंटे ट्रेनिंग दी गई, आज हमें वो बुलाया गया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस मुहिम की शुरुआत GST कमिश्नर रूही सक्सेना ने टोल पर फीता काट कर की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ये पहल एक दिन की बात नहीं है, ये अवसर देश की सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। ये तो छोटी सी पहल है जो बड़ा बदलाव ला सकती है। सरकार का भी प्रयास है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है। समाज को भी इस मुहिम के लिए आगे आना चाहिए। NHAI का एक ऑल इंडिया लेवल का इनिशिएटिव है कि आज के दिन टोल पर सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो उनका ऐसा मानना है कि वो इसे परमानेंट भी कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी पहल है जो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, समाज को ज़रूरत है कि समाज का हर वर्ग, हर इंसान इस इक्वालिटी, इस अवसर की इक्वालिटी पर ध्यान दे और कोशिश करे कि अपने एंड से जो भी कर सकता है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए वो करे। NHAI के जनरल मैनेजर का कहना है कि महिला दिवस के मौके पर आज एक दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं ने अपना काम को बखूबी निभाया है। अब इनको ट्रेनिंग देकर इन्हें 3 महीने के लिए दिन की ड्यूटी भी दी जाएगी। महिला दिवस के लिए एक दिन के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद इनको ट्रेनिंग दे के नेक्स्ट प्रोग्राम है 3 महीने के लिए रखने के लिए। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे केवल 8 से 4 की शिफ्ट में, दिन के शिफ्ट में। जो टोल पे जो अक्सर आए दिन बदतमीजियाँ मारपीट होती है, तो क्या इन महिलाओं पे इफेक्ट पड़ेगा? कोई सुरक्षा व्यवस्था भी करवाई लोग आपने? सुरक्षा व्यवस्था तो है, अपने गार्ड हैं जो चीज़ें हैं। वैसे महिलाओं के साथ ऐसा कुछ तो कोई यूजर तो कुछ करेगा नहीं, इससे ये प्रिविलेज है, फायदा इससे मिलेगा। इस तरह का आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में चलाया था और आज के दिन टोल प्लाजा की कमान महिलाओं के हाथ में दे दी गई थी। NHAI को लगता है कि अगर महिलाएं इसमें कामयाब होती हैं तो टोल प्लाजा पर महिलाओं को भी नौकरी मिल सकेगी। बाराबंकी में प्रदीप राज और शिव शंकर तिवारी के साथ वसीक, न्यूज़ 75.in।